तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो JCECB का जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स थे, जितने भी अप्लाई किए थे, तो उनके लिए एडिट का ऑप्शन आ गया है, जो कि लगातार उन लोग बोल रहे थे कि जैसे ही आएगा एडिट का तो मैंने आपको वादा किया था कि तुरंत मैं आपको अपडेट दूंगा। तो देखिए आ गया है, चलिए देख लेते। क्लिक हेयर फॉर आपको जैसे ही क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपका देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में दिख रहा है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर क्लिक करिएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रहा है कि लॉग इन सिर्फ कर सकते हैं ओनली पेड लॉग इन, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करोगे, यहाँ पे अपना इंटर कैप्चा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड ये सारी चीज़ें डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे आपका एडिट पेज का एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दे रहा है। एक बात ध्यान देना है आप लोगों को कि एडिट करने सिर्फ एक बार मिल रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो एडिट जो भी चीज़ें करनी है बहुत अच्छे से करनी है। और अभी तक मुझे जहाँ तक मैंने किया था तो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखा कि कहीं पे भी एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पिछले साल तो डॉक्यूमेंट्स भी हो रहा था एडिट, ये साल दिया है कि नहीं दिया, लेकिन मैंने जहाँ पे ढूंढा तो अंदर मिला नहीं है, ठीक है। तो आप अंदर एडिट जाइएगा तो जल्दी सबमिट नहीं कीजिएगा, एक तरह से पूरा तरह से छानबीन कर लीजिएगा कि कहीं डॉक्यूमेंट्स एडिट करने का चांस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कहीं पर आपको अगर ऑप्शन दिख रहा होगा तो एडिट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है। और किन बच्चों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जिनका नॉट एलिजिबल वाला लिस्ट में नाम आ गया था, वो सारे यहाँ पे एडिट नहीं मिल रहा है उनको ऑप्शन में, बता दे रहा हूँ। जिनका लिस्ट में मेरिट लिस्ट में आया था प्रोविजनल में पार्ट वन और पार्ट टू में नाम, सिर्फ वही बच्चे एडिट कर सकते थे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या एडिट करना है, कैसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ, आगे देख लीजिए एक बार, ठीक है। और लेकिन जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स वाले बात, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी बच्चों का बाद में मार्क्सशीट आया है उनको यहाँ पर अगर लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो पिछले साल तो दिया था, देखिए अब क्या होता है। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या दिया रहा, नीचे आप स्क्रॉल करते जाइएगा, जैसे कि पेज है ये वाला आपका जो फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म के नीचे आप करते जाइएगा स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे तीन चीज़ें दिखेंगी, प्रिंट, लॉगआउट और एडिट डिटेल्स। हमको एडिट डिटेल्स करना है तो एडिट डिटेल्स को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और खुलने देंगे पेज को। और देखिए आप क्या क्या यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देख लीजिए आपको एडिट का क्या क्या यहाँ पर मतलब कि दिया जाता है, जिन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किन किन चीज़ों का आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो पर्सनल डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी एडिट नहीं होंगी। मैंने पहले ही बता दिया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी एडिट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए एड्रेस फॉर जो कम्युनिकेशन दिख रहा है, ये भी आपका एडिट नहीं हो पा रहा है, जिनका देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करने पर वो नहीं ले रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ से एडिट हो पा रहा है, तो आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, आप अपना चेंज कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम इनकी नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बताया था पिछले साल की तरह, इस साल भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर एडिट हो जाएगा, जहाँ पर क्लिक हो रहा है वहाँ पर एडिट आप कर सकोगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने नहीं अप्लाई किया, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला होगा वो भी यहाँ पर एडिट कर सकेंगे। और सब्जेक्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडिट कर पाओगे, तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट, अब मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कहीं से भी मिल नहीं रहा है एडिट करने के लिए, तो पता नहीं मुझे ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो यहाँ पर सेक्शन था वो तो एडिट करने के लिए मिला ही नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्स मतलब कि एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ से एडिट नहीं हो पा रहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स एडिट हो पा रहा है तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जान पाएंगे, बाकी बच्चे जान पाएंगे, ठीक है।
तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया था, ये मुझे अपडेट देना था, आप एडिट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वाला नहीं दे पा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, ना आपको कहीं दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स कहीं से एडिट होता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तुरंत फिर उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखा नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।